अभी हम आ चुके हैं मार्जोरी पॉइंट पे। यहाँ पे एक गाइड वगैरह आए थे, फ्री में हमने इन्फॉर्मेशन दे ली। छोटा नारियल यार, ये देखो। यस। हम इतनी बड़ी स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं अभी। हेलो गाइस, बैक टू द लाइक, स्वागत है नए व्लॉग में। और अभी भी गाइस उठ चुका हूं मैं, और उठते ही बिल्कुल भी कुछ ना करते हुए बस ब्रश कर दिया है। और 9:15 बज चुके हैं अभी, और चेकआउट का टाइम तो है ही, लेकिन उससे पहले हमें ब्रेकफास्ट करने जाना है। कल के जो था वो ब्रेकफास्ट नहीं था उसके इंक्लूडेड, तो अभी है इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट। तो मस्त भी खाएंगे, ब्रेड बटर वगैरह फुल एकदम। की जल्दी से उठ चुका हूं मैं, रात को ज्यादा 2 बजे से हो जाता, मैं लेट हो गया था ये एडिट करते करते, थोड़ा सा नींद कम हुई है, लेकिन ठीक है। अभी चलते गाइस और मस्त ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे देखो ये ब्रेकफास्ट चीज है, पर ब्रेड बटर बहुत कम है, तो ब्रेड बटर के लिए वेट करते हैं। अभी तक ये खा लेते तब तक। हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, इतना कुछ खास नहीं था ब्रेकफास्ट। ओके, ब्रेड बटर ही नहीं थे, ब्रेड बटर हमें चाहिए रहते लेकिन वही नहीं था। तो अभी खा लिया ब्रेकफास्ट, चाय तो हमने बाहर से पी लिया फिर से। अभी जाएंगे हम गाड़ी लेने के लिए, और फिर वहाँ से फुल स्ट्रगल से यहाँ पे अपलोड हो रहा है वीडियो। गाड़ी में अभी जा रहे हैं हम, यहाँ से निकलने वाले, पार्किंग से गाड़ी वगैरह निकल ली है। और मतलब कल रात से ये अपलोड हो रहा है, लेकिन इतना स्लो स्लो हो रहा है, तो अभी भी ये मेरे डाटा से मैं कर रहा हूँ। हम आ चुके हैं मार्जोरी पॉइंट पे, और यहाँ से व्यू देखो कितना मस्त है एकदम। यहाँ से देखो, ये एक पहाड़ है, एक पीछे पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, यहाँ पर तो 4-5 पहाड़, तो यहाँ से देखते हैं लेयर करके, मस्त है एकदम। यहाँ पे हम रुके, कुछ भीड़ नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे बस लगी किसी की पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो कैसे, यहाँ पे एक टर्न है, टर्न पे यहाँ पे जगह बनाई है इन्होंने, और यहाँ से व्यू मस्त है एकदम। और हम अभी जा रहे हैं आगे सावित्री पॉइंट या फिर एल्फिस्टन पॉइंट भी है, तो देखते कैसा है। लेकिन इसके रास्ते पे हमें मिल गया मार्जोरी पॉइंट, यहाँ से खास कुछ है नहीं, लेकिन व्यू है यहाँ से। हाँ ये देखो, गो स्लो, मस्ट टर्न देखो गाइस, इधर से आने का फिर इधर जाने का, वाइड में देखो क्या मस्त टर्न है इधर, ऐसा ये सब ऐसे बैठे यहाँ पे, ये बस की, हाँ वही बस के शैडो में बैठे यहाँ पे बैठे रे। लेकिन ये बस किसकी यार, क्यों लगा ये? यहाँ पे गाइड वगैरह आए थे, फ्री में हमने इन्फॉर्मेशन दे ली। इस साथ पहाड़ है साथ ऐसे लाइन में, जैसे मैंने बताया यहाँ पे, और आवाज भी आया वो उनका, यहाँ पे आए थे तो मैंने शूटिंग निकाल ली। तो गाइस यहाँ से अभी हम जा रहे हैं अगले पॉइंट पे, चलते हैं लेट्स गो। हम आ चुके हैं यहाँ पे आगे, और एक सावित्री पॉइंट था जो मैंने बोला, वहाँ पे हम जा चुके थे पहले, तो अभी हम आगे आए विल्सन पॉइंट, और आगे और करने के लिए जो कि टाइगर स्प्रिंग पॉइंट वगैरह है। यहाँ से भी हमने पार्किंग लगा दी, बहुत भीड़ है यहाँ पे, ये देख सकते हो कितनी भीड़ है। इस पॉइंट पे कितने भीड़ हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, इसके आगे रास्ता नहीं गाड़ी जाने के लिए, ये देखो। यहाँ से जा रहे टाइगर विल्सन, टाइगर स्प्रिंग पॉइंट, और विल्सन पॉइंट जो था ऊपर ही था, और अभी हम नीचे नीचे जा रहे हैं। ये देखो क्या क्या सीन है यहाँ से, और नीचे नीचे जाके देखेंगे है कि नहीं टाइगर, मतलब होगा ही टाइगर स्प्रिंग पॉइंट, लेकिन कितना देर लगता है लेट सी। अभी तो बज चुके हैं 12:10 हो गए, और अभी नीचे जा रहे हैं हम धीरे धीरे। छोटा नारियल यार, ये देखो क्या है, क्या ये भाई, इसको क्या कहते हैं यार, ये देखो यही पेड़ था, फेंक दो इसको।
तो गजी है टाइगर स्प्रिंग, जहाँ पे टाइगर वाटर खाना मतलब पीने आते पानी, नेचुरल वाटर। इस पानी देखो यहाँ से आता है पानी, इधर से ऊपर से और इधर आता है टाइगर। तो कहाँ से आते होंगे टाइगर, यहाँ पे कहाँ से आते होंगे टाइगर? और ये हमारे लिए ऐसा पानी भर के लेते। मेलकॉल कुछ तो पॉइंट यहाँ पे प्रतापगढ़ वगैरह सब दिखता है। ये देखो प्रतापगढ़ कहाँ पे, लेकिन वही दिख नहीं रहा हमें। हाँ ये ना ये अलग अलग इसका शेप है। ये जो मंकी है वो हाथ से निकल के ले लेता था कुछ भी सामान, अब एक के हाथ से बेच कर ले गया पैकेट वेफर। आवाज दे मेरा यस। पानी का स्टॉक देखो कितना पानी है, यहाँ पे आ गए तो पानी लगता ही है बहुत सारा, लेकिन हमें नहीं लगा। हम आ चुके हैं महाबलेश्वर मंदिर में, ये देखो हमारे सामने ही है ये मंदिर, और यहाँ पे हमने पार कर लिया गाड़ी और चलते गाइस। यहाँ पे बाकी पॉइंट हमने देख लिए, तो अभी मंदिर दिखाते हैं आपको और चलते हैं, लेट्स गो। अभी भीड़ देखो पूरा पार्किंग जो फुल हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी हम गॉगल वगैरह खरीदे थे। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में मार्केट है पूरा, मतलब ऐसे ही खरीदने के लिए ये देखो, और यहाँ पर ही एंट्री। अभी यहाँ पे जो गज लकड़ी का मार्केट है पूरा, गज का मस्त मस्त है एकदम, कुर्सी बैठने के लिए वगैरह। ओहो ओहो वाह, ये तो कंपास में खेलते थे हम, कंपास बॉक्स में। अरे तुम पूरा बाहर दिया मैंने। डिनर सेट यहाँ पे मस्त है। अरे हाँ सोफा, अरे सोफा सेट, हाँ टिकट देखो सोफा सेट, सोफा सेट यहाँ पे टिपा है बस। ये करना क्या है लेकिन इसका सोपिस में रखना है बस। ये देखो यहाँ पे तो पूरा मतलब पीतल का है, ये देखो यहाँ पे ये लकड़ी का है इधर क्या, और उधर पीतल का है सब। कुकर का फी महंगे, ये सिलेंडर है, नहीं नहीं सिलेंडर ही है, केटली कैंडल का, ये बहुत सारा है, अलग 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 यूनिक चीज़ें मिलती है यहाँ पे, मस्त एकदम। और ये मंदिर है गाइस, मंदिर के आसपास ऐसे ही मार्केट है छोटे छोटे। अभी देखो हम इधर अंदर है और इसके बाहर ही देखो अलग सामान भी है खाने के लिए वगैरह, यहाँ पे चीज़ है अलग टाइप के, बेलन भी है गाइस, क्या ही बोले यहाँ पे। हाँ बेलन के क्या टाइप होते हैं यार, जो बेलन के भी टाइप है, मसाजर वगैरह है, एक मसाजर हमारे घर पे ही पड़ा है। और ये देखो भगवान की मूर्तियाँ है सब अलग अलग, ये देखो कई गणपति है, अपने देवी है, बहुत सारे अलग अलग देख सकते हो, तो मतलब इधर बहुत सारे यार, ये देखो बस अलग अलग टाइप के चेस। नहीं ये निकलता क्या, ये तो देखो भाई इसके अंदर ही मतलब जो भी रहते हैं, ये देखो ये निकाल गुम भी हो गए, वो भी गुम हो गए।
कितना अच्छा है। लेने सब क्या? सब गए, सब चले गए और क्या ही रह गया उसमें अभी, बस 800 रुपए का बस। नहीं चाहिए यार, लेकिन कौन खेलेगा, कौन क्या गेम है भाई। क्या बेसी नहीं यार, ये देखो लेकिन ये खुलता ही नहीं। ये तो मुख दर्शन है, यहाँ पे बहुत भीड़ है तो हम अभी अंदर तो नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ से देखो गाइस तो गाइस यहाँ पे देखो शूटिंग अलाउड नहीं है, देखो वो इसके जैसे यहाँ से ही निकलते शूटिंग। क्या बात है पानी गाइस, हम इतनी बड़ी स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं अभी, हमने यहाँ पर ही ले लिया, वहाँ पे चल मार्केट में हम भूल गए थे लेने के लिए, वहाँ पे थोड़ा सा लिया और तभी खा लिया हमने, और अभी लेके जा रहे हैं पुणे में। और ये तो गाइस इतना बड़ा स्ट्रॉबेरी, एकदम मीठा और घर आ चुके हैं, मतलब बहुत जल्दी आ गया था, मतलब लगभग हम 5 बजे आ चुके थे और अभी बज चुके हैं 8। ये दीदी का ब्रोकली बन रहा है, ये फाइनली कैसे लगेगा इसको ही पता, अभी बन रहा है लहसुन फ्राई, हमने कल होटल में खाया था और वहाँ पे हमने ले लिया था 5 किलो लहसुन और वो भी लहसुन फ्राई हो रहा है मस्त, कल तो बहुत अच्छे लग गए होटल में हमें, तो अभी यहाँ पे बन रहा है लहसुन फ्राई मस्त। उसके पहले मैं नहा के आता हूँ और फिर अभी एक करना भी है। ये मारियो मैंने यहाँ पर ही रखा है मस्त, यहाँ पे मजा आता है यार इसके साथ। और यहाँ से हमने वो महाबलेश्वर मार्केट से इधर हमने ले लिया था, देखो ये भी था, बहुत सी चीजें हमने ले लिए थे। वीडियो तो ऐसे अपलोड हो गया ना, मतलब 2 मिनट में अपलोड हो गया, मतलब जो इतना मैं स्ट्रगल कर रहा था वीडियो अपलोड करने के, मतलब वहाँ पे वाईफाई भी था होटल का, वो भी इतना फास्ट नहीं था, वहाँ पे लगभग 60% हो गया था। और उसके बाद मैंने जियो पे किया तो मतलब 5-10 मिनट के बाद 1% हो रहा था, तो वो तो मैंने बाद में बंद कर दिया, और घर पे आते ही 2 मिनट में पूरा अपलोड हो गया, तो ये वाईफाई तो मस्त है हमारा। उसके बाद जैसे अपलोड हो गया है वो वीडियो, तो आप देख सकते हो जाके। मैंने ब्रोकोली खाई थोड़ी सी नहीं, मतलब बोलते बोलते बहुत खा ली, तो इसकी वजह से हमने ज्यादा लाए थे, तो अभी फिर से बन रही है ब्रोकोली चीज के साथ, वो भी ऐसा कुछ नहीं चीज, लेकिन वो ही अच्छा लगता है वैसे। और उसके ऊपर से ओरिगैनो वगैरह है भाई, उससे वेट लॉस होता है। तो गाइस ये खाते हैं और अभी यहाँ पे मैगी भी बन रही है, लहसुनी फ्राई तो कहाँ खत्म हो गए पता भी नहीं चला। ब्रोकली खा के जो वेट लॉस होगा ना, तो मैगी खा के फिर से बढ़ेगा, और वो चलना भी है, लेकिन आज नहीं चला हूँ मैं, और मुझे अभी थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करना है समझी। और ये जो भी ये है ना लहसुन, वो तो भाई लहसुन फ्राई में खाने वाले। तो गाइस हमने खा तो लिया है सब, लेकिन इतना वजन बढ़ जाता है ना बाहर जाने के बाद, बाहर से आते खाता वहाँ तो खा लेते हैं हम आराम से मस्त एकदम मस्ती में, लेकिन आने के बाद घर पता चलता है वजन तो बढ़ गया होगा, इसलिए चेक तो नहीं किया है अपने अपना वॉकिंग करने के लिए जाने का और ब्रोकोली खाने का लेट जैसा होता है, वजन तो मैंने चेक नहीं किया है लेकिन फिर भी। और आज गाइस मैंने मतलब दिखाता हूँ मैं आपको बाद में, लेकिन इसके पहले बता देता हूँ कि आईफोन को मतलब जो स्क्रीन है उसके ऊपर ऐसा कुछ डेंट आ गया, तो वो ऐसा अंदर चला गया था, पता नहीं कैसे हुआ, वो हमें तो पता नहीं चला वो कैसे हुआ, लेकिन शायद से वो स्क्रीन गार्ड को ही लगा है, तो स्क्रीन गार्ड वगैरह चेंज करना पड़ेगा। और बैक कवर भी एकदम घटिया है ना, तो वो घटिया हो चुका है, तो हम वो भी चेंज करना पड़ेगा, सो वो तो देखते हैं। लेकिन वो स्क्रीन गार्ड का तो अभी हमने चेंज किया था बस, लेकिन उसके बाद फिर से अभी ये हो गया है,
और उसके ऊपर ऐसा डेंट आ गया, तो पता नहीं कैसे हुआ वो, लेकिन हो गया। अभी तो क्या ही कर सकते हैं, यहाँ से क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, ये दूसरा फोन इसलिए छोड़ो वो। लेकिन ये देखो छोटा सा डेंट दिख रहा होगा, ये देखो। ओके रुको एक मिनट यार, ये कैमरे से अच्छे से नहीं दिखवा रहा, लेकिन ये देखो ये छोटा सा दिख रहा होगा वहाँ पे, तो वही है वो, ये देखो। तो गाइस आज का व्लॉग ना यहाँ पर एंड कर देते हैं, मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, तो होप करता हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। ये नहीं कर पाएंगे, इनसे ना होगा ये, इसमें मेहनत है, इनको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए टेबल पे।